बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, भट्टी एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद करते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग के 4 अहम नुकात आपको बताने जा रहा हूँ, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये निकला हुआ है, पेंशनर और मुलाजमीन को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। स्केल 1 से 16 तक के 35% इजाफा किया गया है और स्केल 17 से 22% 30% इजाफा किया गया है। पेंशनर की पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है, लेकिन इन मुलाजमीन के साथ क्या ज़ाब्ती की गई है, पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को एक एक पॉइंट आपको वाजे करके बताऊंगा कि मुलाजमीन के साथ क्या ज़ाब्ती कर दी गई है, पेंशनर के साथ खास तौर पर क्या ज़ाब्ती गई है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकान के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। डियर नाजरीन, आपके सामने ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो कार्रवाई है, सर्कुलर है प्रोविंशियल कैबिनेट पंजाब असेंबली का 22/7/2023 को, ये मिनट ऑफ मीटिंग का एजेंडा था। ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 35% ऑफ बेसिक पे ऑन द 30/6/2023, 35% जो है वो बुनियादी तनख्वाह जो 30/6/2023 है उसको, उस पर ये मिलेगी। टू द सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर, बेसिक स्केल स्केल नंबर 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को जो 35% का इजाफा मिलेगा रनिंग बेसिक पे पर, और 30% जो इजाफा बेसिक पे आज ऑन 30/6/2023 टू द सिविल सर्वेंट्स बेसिक स्केल 17/22, यानी कि बेसिक जो स्केल 17 और स्केल 22 है उसकी जो तनख्वाह है 30% इजाफा होगा 30 जून वाली उनकी बेसिक रनिंग वाली बुनियादी तनख्वाह पर। और इसके साथ साथ 17.5% पेंशनर की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो डियर नाजरीन, मैं आपको 4 ऐसे नुकात दे अहम नुकात आपको बता रहा हूँ कि इसमें सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर दिया गया है, सरकारी मुलाजमीन को एक और झटका लगा दिया गया है। सेफ्टी फाइनेंस की तरफ से ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पंजाब की तरफ से ये नोटिफिकेशन मिनट ऑफ मीटिंग का जो बजट इसमें रखा गया है, आप बजट में ये देखें 352 बिलियन जो सैलरी बजट है ये अप्रूव किया गया था, और इसमें कौन कौन से जो मंथ हैं इसमें, यानी कि जुलाई का अक्टूबर तक ये बजट अप्रूव किया गया है सैलरी बजट के लिए। अगर नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो उसने बजट पेश किया तो उसके साथ फिर और उनकी होगा। तो दूसरे नंबर पे है काबीना ने ये भी इसको केयर टेकर प्रोविंशियल जो सूबाई काबीना है उन्होंने मीटिंग में ये भी अप्रूव किया था कि डाफ रिलीफ अलाउंस 30% इनिशियल बेसिक पे पर दिया जाएगा, जो कि इसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने था, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इनिशियल पे भी लग गया है, उसका बजट भी यहां पर अप्रूव किया गया था। इसके साथ साथ आप एक और बात बताऊंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने खास तौर पर ये अप्रूव किया था एडहॉक रिलीफ अलाउंस एंड पेंशन इंक्रीज, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से है, उन्होंने वफाकी हुकूमत जो ने जो इजाफा किया था 35% एडहॉक रिलीफ अलाउंस बेसिक पे रनिंग जो मुलाजमी ले रहे हैं 30 जून वाली, तो वो कब से शुरू होगी, 1 अगस्त 2023 से। लेकिन डियर नाजरीन आपको बता दूं कि जो वफाकी हुकूमत और बाकी सूबे हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है, लेकिन पंजाब की इस गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है वो 1 अगस्त से इजाफा रनिंग बेसिक पे पर अप्रूव किया है। तो इस ये देखें, ये एक बहुत बड़ा मुलाजमीन के साथ किया गया है।
तो इसमें बेसिक स्केल के 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन जो हैं 35% लेंगे 30 जून वाली बेसिक रनिंग पे पर, लेकिन वो भी मिलेगा 1 जुलाई से नहीं मिलेगा। और इसी तरह 17 से 22 वाले 30% एडाक रिलीफ अलाउंस उनको मिलेगा 30 जून 2023, उनको भी 1 अगस्त 2023 से मिलेगा। इसके साथ साथ और पेंशनर जो हैं उनको 17.5% उनकी पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। तो डियर नाजरीन, पेंशनर के साथ एक और सिस्टम हुआ है, इनके साथ गवर्नमेंट ने एक और हाथ किया है। इसमें आपको मैं वजाहत कर देता हूँ। हाउ एवर 5% इंक्रीज द पेंशन ऑफ रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लाई सिविल पेंशनर अप टू 80 ईयर्स ऑफ एज, जो 80 साल वाले उम्र हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया गया था 5%, जो कि उसमें जो इजाफा हुआ है 1 जुलाई वाली तनख्वाह पर। और इसके साथ 20% इंक्रीज रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लाईज जो सिविल सर्वेंट पेंशनर हैं वो आर ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज 1/7/2023, और ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हुए थे और उनकी एज 80 से ऊपर है उनकी उनको जी पेंशन मिलती थी 20%। अब आपको मैं इसका फर्क बता दूं कि इसका क्या है। वो कह रहे हैं कि विच वाज ग्रांटेड बी डिपार्टमेंट सर्कुलर लेटर रेफर टू अबव विल दी विदड्रॉ विद इफेक्ट 1/8/2023। तो जो वो ले रहे थे 5% पेंशनर और 80 से कम साल वाले और 80 से ऊपर वाले 20% पेंशन ले रहे थे उनका इजाफा, वो 1 अगस्त 2023 से उसका जो इजाफा है वो विदड्रा कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ये देखें, ये 1/8/2023 से विदड्रा, यानी पेंशनर के साथ ये एक और हाथ कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो अब जो उनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा वो 17.5% इजाफा होगा। और इसके साथ पेंशनर के लिए एक और अहम पॉइंट ये है कि ऐसे पेंशनर जो 1 अगस्त 2023 से रिटायर्ड होंगे, वो सिविल सर्वेंट्स हैं या दूसरे हैं, तो उनको ये 17.5% इजाफा नहीं मिलेगा। तो डियर नाजरीन, ये देखें ये कितना पेंशनर के साथ ज्यादती की गई है। ये देखें, ये मिनट ऑफ जो काबीना के जो मिनट ऑफ मीटिंग है उसने ये खास और इसका नोटिफिकेशन इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि पेंशनर के साथ सरकारी मुलाजमीन के साथ इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन इनमें इनमें इनके साथ ज्यादती भी कर दी गई है। पेंशनर जो पेंशनर पहले 5% या 20% ले रहे थे, उनका ये जो इजाफा है वो 1 अगस्त 2023 से खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसे पेंशनर जो 1 अगस्त 2023 के बाद रिटायर होंगे उनको 17.5% इजाफा नहीं दिया जाएगा। ये देखें कितनी ज्यादती है इस नोटिफिकेशन मिनट ऑफ मीटिंग वाले जो नोटिफिकेशन है वो। तो डियर नाजरीन, अगर आपको ये हमारी अपडेट अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इससे आपका और हमारा रब्ता हमेशा कायम रहता है। हफ्ते रहें, मुस्कराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जो हमें याद रखेगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।